नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2020 13 सितंबर को होना तय है। कोरोना के बीच हो रहे इस परीक्षा में संक्रमण से बचाव के लिए एनटीए ने परीक्षा में कुछ बदलाव किए हैं। इस बार परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में कोरोना वायरस प्रकोप के बीच परीक्षा आयोजित करना चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। नीट के लिए एनटीए ने ड्रेस कोड भी जारी किया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए नीट के ड्रेस कोड के अनुसार कैंडिडेट्स को सुनिश्चित करना होगा कि वे आधी बांह की शर्ट पहने या टी शर्ट पहने, क्योंकि परीक्षा में फुल स्लीव शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही मेल कैंडिडेट्स ट्राउजर और सिंपल पैंट पहन सकते हैं, हालांकि कुर्ता पायजामा की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल में जूते मना है, ऐसे में कैंडिडेट सैंडल और चप्पल पहन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें कढ़ाई, फूल, ब्रॉच या बटन हो, क्योंकि परीक्षा के दौरान ऐसे कपड़ों की अनुमति नहीं है। फुल आर्म लेंथ वाले कपड़े ना पहने, फीमेल कैंडिडेट्स को भी आधे आस्तीन के कपड़े पहनने होंगे। हाई हील्स और मोटे जूते पहनने से बचें, इसके बजाय सैंडल या चप्पल का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार के आभूषण जैसे कि बालियां, नाक के छल्ले, अंगूठियां, हार, कंगन या पायल पहनने की अनुमति नहीं है। ड्रेस कोड के अलावा कुछ और चीजें भी एग्जाम हॉल में लाना वर्जित है, जैसे कि पेन, पेपर, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, इरेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, स्कैनर, पेन ड्राइव इत्यादि जैसे आइटम सख्त वर्जित हैं। संचार उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, स्वास्थ्य बैंड को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत सामान जैसे वॉलेट, काले चश्मे, हैंडबैग, बेल्ट, टोपी आदि परीक्षा के दिन नहीं ले जा सकते। मधुमेह के उम्मीदवारों को ताजे फल, चीनी की गोलियां और परीक्षा हॉल के अंदर एक पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अब पूरी होगी और सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षा में शामिल होंगे।